राजस्थान के मौसम में पिछले कुछ दिनों से एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तेज बारिश की लहर, जिसने पिछले 15 दिनों से राज्य को अपनी गिरफ्त में ले रखा था, अब धीमी पड़ चुकी है। जयपुर, सीकर, नागौर, चुरू और झुंझुनू जैसे जिलों में रविवार को बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। इसके विपरीत इन इलाकों में दिन भर तेज धूप ने लोगों को उमस और गर्मी से बेहाल कर दिया। बारिश रुकने के बाद दो ही दिन में तापमान में 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे राज्य के अधिकतर हिस्सों में फिर से गर्मी की वापसी हो गई है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां का तापमान फिर से चढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को जयपुर का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, जबकि दो दिन पहले यही तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस था। मानसून का प्रभाव कम होते ही तापमान तेजी से बढ़ने लगा है, जिससे आने वाले दिनों में और भी गर्मी का एहसास हो सकता है। लेकिन इस बदलते मौसम के बीच एक और महत्वपूर्ण खबर है। आज रक्षाबंधन के दिन जयपुर सहित दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा और राजसमंद जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश इलाकों में बारिश की गतिविधियां अब धीमी हो चुकी है। पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है, जबकि अगस्त के 24 से 25 को कोटा और उदयपुर संभाग में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर लौट सकता है। प्रशासन भी इस बदले हुए मौसम को लेकर सतर्क है। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के बाद प्रशासन एक्टिव मोड पर है। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में सबसे अधिक 140 मिमी बारिश दर्ज की गई है, वहीं गंगानगर में सबसे अधिक तापमान 36.1 डिग्री तक पहुंच गया है। राजस्थान में इस मौसम के यूटर्न ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है। जहां एक और बारिश की कमी ने तापमान को बढ़ा दिया है, वहीं दूसरी ओर रक्षाबंधन पर होने वाली बारिश ने फिर से उम्मीदें जगाई हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज क्या रंग दिखाता है। लोकल 18 के लिए जयपुर से काजल मनोहर की रिपोर्ट।